नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। अमेरिका में प्रत्येक 4 वर्ष बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ठीक 3 महीने बाद 3 नवंबर को दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। इस वक्त इस पद के लिए 2 बड़े दावेदार मैदान में उतरे हैं, जिनमें डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बिडेन और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप फिर से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दोनों ही पार्टियों की देश और विदेश नीति को लेकर अलग विचारधारा है, इसलिए पूरी दुनिया इन दोनों उम्मीदवार की हार जीत के बीच अपने नफे नुकसान का आकलन कर रही है। खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमरीकी रिश्तों को जो मजबूती दी है, उससे भी भारत में इस चुनाव को लेकर रोमांच बढ़ गया है। भारत में डोनाल्ड ट्रंप बेहद ही लोकप्रिय है। उन्होंने जिस तरह भारत के प्रति दोस्ताना रवैया अपनाया है, उसने भी भारतीयों के बीच उन्हें अच्छी खासी प्रसिद्धि दी है। जबकि जो बिडेन के बारे में भारतीयों को ज्यादा जानकारी नहीं है। भारत के प्रति उनकी पार्टी की नीतियां या खुद जो बिडेन की क्या सोच है, उससे ज्यादातर लोग अनभिज्ञ हैं। आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि यदि जो बिडेन या डोनाल्ड ट्रंप में से कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है तो उसका भारत और अमेरिका के भविष्य के रिश्तों पर क्या फर्क पड़ेगा। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत से अपने रिश्तों को वहीं से आगे बढ़ाया था जहां से पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने छोड़ा था। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। हालांकि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड वार और H-1 वीजा जैसे कई विवादित मुद्दे भी रहे हैं, मगर इससे दोनों देशों के रिश्तों की प्रगति में बाधा नहीं आई। इस बार अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव कांटे का होना जा रहा है। जो बिडेन मजबूती के साथ डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक तो उनकी जीत की भविष्यवाणी तक कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि बिडेन की जीत में भारतीय अमरीकों की बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि भारतीय अमरीकी इस चुनाव में बड़ा अंतर पैदा करने वाले मतदाता साबित हो सकते हैं। ऐसे में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के नेता मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन जैसे कई राज्यों में भारतीय अमरीकी समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मिशिगन में 1,25,000 भारतीय मतदाता है। पिछले चुनाव के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन यहां ट्रंप से 10,700 वोटों से हार गई थी। पेंसिल्वेनिया में 1,56,000 भारतीय अमेरिकी मतदाता है, यहां हिलेरी 43,000 वोटों से हारी थी। जबकि विस्कॉन्सिन में 37,000 भारतीय अमेरिकी मतदाता है, जहां उन्हें 21,000 वोटों से हार मिली थी। यानी पिछले साल भारतीय अमरीकी में डोनाल्ड ट्रंप का जादू सिर चढ़कर बोला था, पर इस बार भी ज्यादा कुछ बदलता दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय अमरीकियों में डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में ज्यादा गिरावट नहीं हुई है। हालांकि ट्रंप के बारे में ज्यादातर चीजें दुनिया को पता लग चुकी है। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिस पर कई बार उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इस कारण ट्रंप की नीतियों से ज्यादातर लोग परिचित हैं, लेकिन जो बिडेन का नाम अधिकतर के लिए नया नाम है। जो बिडेन की सोच के बारे में और अगर वह अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में भी जान लेते हैं। जो बिडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के समय जो बिडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। हालांकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर आने से पहले दोनों में कुछ खास नहीं बनती थी, क्योंकि दोनों ही राष्ट्रपति की रेस का हिस्सा थे। लेकिन चुनाव में फंड्स और सपोर्ट नहीं मिलने से वे इस रेस में बराक ओबामा से पिछड़ गए। ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने चीन की खुलकर आलोचना की है। उन्होंने अपने कार्यकाल में चीन की नाक में दम करके रख दिया है। साथ ही भारत चीन के बीच गलवान घाटी और LAC पर लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच भी अमेरिका भारत को हर संभव मदद की पेशकश कर चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान में परंपरे आतंकवाद को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। अब अगर जो बिडेन की बात करें तो उन्हें कोरोना महामारी के समय भी निजी हित भी चीन में नजर आते हैं। खास बात यह है कि 2017 में चीन की एक कंपनी BHR पार्टनर्स ने जो बिडेन को साइनक्योर का पद दिया था। इसका मतलब एक ऐसा पद होता है जिस पर आपको किसी प्रकार का काम नहीं करना होता है। इस दौरान आपको अच्छी खासी तनख्वाह भी दी जाती है। 2019 में चुनाव के दौरान बिडेन ने कहा था कि चीन अमेरिका को कोई नुकसान पहुंचाने वाला देश नहीं है। मजे की बात यह है कि ट्रंप अपने चुनाव कैंपेन में जो बिडेन को चाइना जो कहकर बुला रहे हैं। खबरों की माने तो चीन भी कहीं ना कहीं जो बिडेन को ही राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन कर रहा है। भारत को लेकर जो बिडेन की सोच फिलहाल ज्यादा अच्छी नहीं मानी जा सकती है। भारत सरकार द्वारा असम में NRC का कार्यान्वयन और उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित किए जाने से जो बिडेन ने निराशा वाला रवैया दिखाया था। साथ ही कश्मीर को लेकर भी उन्होंने भारत के हितों के अनुरूप बयान नहीं दिया है। उन्होंने कश्मीर में रह रहे लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की वकालत की थी। हालांकि H-1 वीजा के प्रति बिडेन का नजरिया ट्रंप के विपरीत है।
H1 वीजा एक गैर प्रवासी वीजा होता है। यह वीजा अमेरिकी कंपनियों को विशेष व्यवसायों के मामले में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की इजाजत देता है। बिडेन ने ऐलान किया है कि वह 1,10,00,000 दस्तावेज रहित अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करेंगे। इसका सीधा सा मतलब यही है कि ट्रंप पूरी तरह भारत के विश्वास में लिए हुए हैं, जबकि जो बिडेन से फिलहाल भारत को ज्यादा उम्मीद नहीं है, इसलिए इसका अमेरिकी राष्ट्रपति बनना भारत के हित में शायद उचित नहीं होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।